गोला देहात के प्रधान घोटाले की जांच के बाद दोषी पाए जाने की जानकारी आई तो खबर चारों तरफ फैल गई। मगर अपनी खिसियाहट निकालने के लिए प्रधानपति ने अपने को प्रधान बताते हुए एक नोटिस जारी कर पत्रकार के घर डाक द्वारा भिजवा दिया। इस बात से प्रतीत होता है कि प्रधानपति मीडिया को भी दबाव में लेना चाहता है। इसलिए दिया है कि मेरे गोला देहात में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा। जो दमन की ये प्रक्रिया हमको मालूम हुई, ज्ञात हुआ जब हमें, तो इसमें 35 लाख का घोटाला हुआ है। कहीं पर किसी कोई मार्ग में नवीनीकरण नहीं हुआ है, ना कोई विकास हुआ है, ना किसी प्रकार की सोलर लाइटें लगाई गई हैं, ना हमें उसे प्रतिनिधि, जो हम प्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ना उसकी हमें वैल्यू दी जा रही है, ना कोई हमें जवाब दिया जा रहा है कि ये कार्य होना है, ये भैया कराना है, ये करना है। किसी प्रकार का हमसे कोई महत्व नहीं लिया जा रहा। क्या इस मामले में प्रधान लिप्त है? हाँ, प्रधान और सेक्रेटरी सस्पेंड भी चल रहे हैं। सनी से जो है सेक्रेटरी सस्पेंड हुआ है, ना कोई जांच चल रही है। और जो है जो पैसा गमन हुआ है उनसे, हमारे प्रधान के द्वारा जो निर्मित भवन कराया गया है, तहसील के पास दुकानें, उनमें गमन दिखाया गया। यहाँ तक कि अधिकारी भी यहाँ पर आसपास के जो है उस गमन में शामिल हैं। सोलर लाइट प्रधान के द्वारा जो लगाई गई हैं वो तो एक घर की दीपक के बराबर जो है उसमें लाइटें हैं, और उनमें लागत ज़्यादा दिखाई गई है। जानने में ये मिला है कि 1 लाख की सोलर लाइट लगाई गई, लेकिन वो जो है हमारे ग्राम पंचायत में 2-3 सोलर लाइटें। लखीमपुर खीरी के गोला गोकरण नाथ में ग्राम सभा गोला देहात के घोटालेबाज प्रधान की जब खुली पोल, तो पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाने के लिए भेजी नोटिस। फर्जी आईडी जनरेट करके खातों से पैसे निकाले, उसके बाद खड़ंजे नालियों का भी किया जमकर घोटाला। लखीमपुर खीरी से आशीष राठौर।